दोस्तों, आप भी बचपन में खेल कूद वाले गेम तो जरूर खेले होंगे, जिसमें लंबा कूदना और ऊंचा कूदना हमारे पसंदीदा खेल हुआ करते थे। क्योंकि अगर ऊंची कूद के बारे में सोचे तो वे 8 फीट की ऊंचाई भी आसानी से पार कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों की, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ओलंपिक खिलाड़ी न केवल शारीरिक रूप से क्षमता रखते हैं, बल्कि इनके कूदने का तरीका भी अलग होता है। खिलाड़ी कूदते समय उल्टा होकर छलांग लगाते हैं, वहीं अगर हम कूदेंगे तो हम सीधे तरीके से ही छलांग लगाएंगे। इसी तरह से हम पृथ्वी पर केवल 1.5 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वहीं कहते हैं ग्रह बदलने से हमारी छलांग की हाइट भी बढ़ जा घट सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वो अदृश्य बल है या शक्ति है जो हमें भूमि से चिपकाए रखती है। हमें कूदने के लिए इसी बल से विरुद्ध बल लगाना पड़ता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह पर अलग अलग है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, अगर पृथ्वी के अलावा हम किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हो जाएं तो हम कितनी ऊंची छलांग लगा पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं बुध ग्रह पर। मरकरी यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की दूरी के नजरिए से सबसे पहला ग्रह माना जाता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1/3 छोटा है, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 38% रह जाता है। इस गणना के आधार पर देखा जाए, जो आम इंसान पृथ्वी पर 1.5 फीट ऊंचा कूदता है, वो बुध ग्रह पर 4 फीट ऊंचा कूद सकता है। हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब हम बुध ग्रह पर खड़े रह सकें, क्योंकि दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान हमें धुआं बनाकर उड़ा देगा। वहीं रात के समय बहुत ही कमजोर वातावरण होने की वजह से बुध ग्रह का गर्मी रुक नहीं पाती है, और इसी वजह से इस ग्रह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तब आप ही बताइए, क्या आप इस ग्रह पर छलांग लगा पाएंगे? अब चलते हैं शुक्र ग्रह की ओर। अगर तापमान की बात की जाए तो हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र ज्यादा गर्म है, और इसलिए यहाँ कूद लगाना तो दूर की बात, बल्कि यहाँ खड़ा होना भी संभव नहीं है। भले ही शुक्र ग्रह की दूरी सूर्य से बुध के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन शुक्र का घना वायुमंडल इस ग्रह के चारों ओर एक मोटी परत बनाकर ग्रह की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कार के शीशे बंद करने के बाद कार के शीशे के अंदर का तापमान बाहरी वायुमंडल की तुलना में अधिक हो जाता है। अगर इस खोलते ग्रह पर किसी तरह खड़ा होना संभव हो भी जाता है और यहाँ पर छलांग लगाते हैं, तो शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 91% है। इसलिए यहाँ हमारे द्वारा लगाई गई छलांग पृथ्वी के 1.5 फीट से थोड़ी ज्यादा यानी 1.7 फीट के आसपास होगी। अब चलते हैं चंद्रमा पर। सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह हमारी सुंदर पृथ्वी है। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति 1.5 फीट ऊंची कूद लगा सकता है, जिसकी बात हमने पहले ही कर दी है, इसलिए हम पृथ्वी की जगह पृथ्वी के चांद की बात करते हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग एडमिन एल्ड्रिन पहली बार चांद पर गए थे, तो वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम मिला है, जिसकी वजह से उन्हें वहां चलने में काफी दिक्कत हुई थी। उनका शरीर असामान्य रूप से उन्हें बहुत हल्का लग रहा था, इसलिए इन दोनों ने चांद पर कूदते हुए चलना शुरू कर दिया था। 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण पृथ्वी पर 1.5 फीट ऊंचा कूदने वाला आदमी चांद पर 9 फीट ऊंचा कूद सकता है। ये ऊंचाई लगभग 1 मंजिल इमारत जितनी हो सकती है। मंगल ग्रह। चांद पर पहला कदम रखते ही इंसान ने फिर मंगल ग्रह पर जाने का अपना लक्ष्य तय कर लिया था। हाँ, ये बात और है कि मंगल पर पहुंचने का सपना आज भी सपना ही बना हुआ है, लेकिन पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां कुछ खास परिस्थितियों में इंसान निवास कर सकता है। यानी आने वाले कुछ समय में हम मंगल ग्रह पर भी छलांग लगाने वाले हैं। हम इंसानों द्वारा भेजे गए 5 रोवर्स मंगल की सतह पर घूम रहे हैं, और जिन्होंने वहां पर हमारे रहने के बारे में काफी ज्यादा जानकारी जुटा ली है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 62% है। अगर इसके अनुसार गणना करें तो मंगल पर कोई इंसान 4 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है, जो धरती पर केवल 1.5 फीट कूद सकता था। अब चलते हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह पर, यानी बृहस्पति पर। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इतना विशाल है कि इसमें 1 साथ 1300 पृथ्वी समा जाएंगे। इसके बावजूद गुरुत्वाकर्षण बल के मामले में बृहस्पति पृथ्वी से ज्यादा नहीं है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि यह ग्रह ठोस नहीं है,
बल्कि मुख्य रूप से गैसों और धूल से बना हुआ है। यानी यहाँ खड़ा होने के लिए आपको कोई सतह नहीं मिलेगी, और जहां आप खड़े नहीं हो पाओगे तो वहां छलांग कैसे लगाई जा सकती है। अगर फिर भी आप अपने लिए कोई सतह तैयार कर यहां कूदते भी हैं तो यहां आपकी छलांग आधे फीट तक रहने वाली है। शनि ग्रह, शनि ग्रह जो कि अपने चारों ओर फैले छल्लों के कारण हमें काफी सुंदर दिखाई देता है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये भी ठोस रूप में नहीं है, इसलिए बृहस्पति की तरह यहां पर भी खड़े नहीं हो सकते। इस ग्रह में 700 पृथ्वियां समा सकती हैं, लेकिन फिर भी ठोस न होने की वजह से शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से मामूली ही ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जितनी ऊंची आप कूद सकते हैं, यहां आप जो छलांग लगाते हो उससे कुछ खास अंतर नहीं आने वाला है। शनि ग्रह पर आप पृथ्वी के मुकाबले 1 इंच कम यानी 1.5 फीट की जगह 1.4 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ये बात और है कि यहां खड़े होने के लिए पहले आपको एक सतह तैयार करनी होगी, तभी आप यहां छलांग लगा पाएंगे। यूरेनस, जो हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहां का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, और ये बर्फ और गैस से मिलकर बना है, इसलिए यहां पर भी आपको खड़ा होने के लिए कोई ठोस सतह नहीं मिल पाएगी। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 63 पृथ्वियां समा जाएंगी, लेकिन ठोस न होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। पृथ्वी की तुलना में 10% कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इस ग्रह पर हम पृथ्वी से 1 इंच ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। अगर आप इस ग्रह पर उतरते हैं तो आपको सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत अधिकता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स बेहद ही सड़ी हुई गंध फैलाते हैं। इसलिए कभी अगर आपका यूरेनस पर जाना हो तो आप बदबू से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा जरूर बांध लेना। हालांकि यूरेनस पर जा पाना अभी तक किसी तकनीक के द्वारा संभव नहीं है। नेपच्यून, हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है नेपच्यून। इसकी सूर्य से अधिक दूरी होने के बावजूद भी ये यूरेनस की तुलना में कम ठंडा है। यह तापमान -210 डिग्री सेल्सियस तक ही रह पाता है। इस ग्रह के ज्यादा ठंडा होने के कारण इसका अधिक झुका हुआ होना है। जिस तरह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह से यूरेनस 98 डिग्री अपने अक्ष पर झुका रहता है। इसी वजह से ये सूर्य से मिलने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में अधिक परिवर्तित करता है। नेपच्यून ग्रह भी काफी बड़ा है और इसमें 157 पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। नेपच्यून भी बर्फ और गैस से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ गैसों का घनत्व यूरेनस की तुलना में ज्यादा है, और इस वजह से नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण बल भी यूरेनस से ज्यादा है, और पृथ्वी से इसका गुरुत्वाकर्षण बल 10% ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी पर जो इंसान 1.5 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है, वो यहाँ पर 1.3 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। दोस्तों, अगर हम अपने सौरमंडल के सभी ग्रह पर एक साथ ग्रहों के चंद्रमा को भी शामिल कर लें, तो सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के पास है, जिसका नाम है गैनिमेड, और ये उपग्रह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, और यहाँ की सतह ठोस है। ये उपग्रह हल्की चट्टानों से बना है, जिस वजह से गैनिमेड का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के समान है। यानी यहां भी आप 9 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अब अगर हम सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो मंगल के उपग्रह हैं फोबोस और डिमॉस। सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह कहलाते हैं। इसमें डिमॉस केवल 6.25 मीटर के आकार वाला है, और अगर आप इन छोटे उपग्रह पर जाते हैं तो यहाँ गलती से भी ऊंची कूद मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम है कि आप सिर्फ कूदने भर से आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे और उसकी जमीन पर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, बल्कि अंतरिक्ष में और ज्यादा ऊंचाई पर जाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।